तो इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में आ चुके हैं जॉइंट स्केलेटन पुलिस। तो ये पुलिस वाले आखिरकार स्केलेटन कैसे बन गए, आइए देखते हैं। तो आज भाई मैं एक ऐसा सूट लेकर आया हूँ, जिराफ वाला सूट। भाई मैं बहुत ही खतरनाक लग रहा हूँ आज, देख लो। और मैं इसे पहन चुका हूँ और आज मैं पुलिस वालों के साथ प्रैंक करने वाला हूँ और मैं उनके सामने जाके उनको डराने वाला हूँ। मैं एक क्रिमिनल हूँ और उसके बाद यार पता नहीं पुलिस वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ये क्या है, इस सूट की पूंछ ऊपर हो जाती है भाई गाड़ी चलाते वक्त। तो खैर छोड़ो, हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन और देखते हैं पुलिस वालों का रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसा रहता है। तो मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर। पहले गन ले लेता हूँ हाथ में, है ना, गन को हाथ में रख के और मैं इनके ऊपर टारगेट करूंगा। और ये खड़े हो जाओ सब लोग, वहीं पे रुक जाओ, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, कोई नहीं हिलेगा, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहो। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा, ठीक है। और ये जो अंदर बैठा है जेल के, उसे बाहर निकाल दो जल्दी। अरे तू हिल क्यों रहा इतना, वहीं बैठा रहा चुपचाप, ठीक है। मैं कभी भी फायर कर सकता हूँ, क्या हुआ, अरे गोली चल गई, अरे सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, अरे गलती से चल गई गोली। अरे यार ये मैंने क्या किया, ये क्या हुआ यार, गलती से चली गई गोली। अरे यार गलती से मैंने फायर कर दिया उस बंदे पे। ओ भाई साहब, बाहर से भी पुलिस आ रही है, पीछे से भी पुलिस आ रही है। ओ यार मैं तो गया, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा यार। भाई ये क्या कर दिया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है भाई, मैं कहाँ भागू। बाहर मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज भी आ रही है, कहाँ गई। ओ ये रही। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से एयरपोर्ट के लैब के अंदर चला जाता हूँ, ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। चलो चलो जल्दी उस एयरपोर्ट के लैब के अंदर जाता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, हमारे शहर के साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इन्होंने गलती से एक वायरस बना दिया और उस वायरस को इस चूहे के अंदर डाला था और वो चूहा भाग के कहीं चला गया यार। और वो एक नॉर्मल वायरस नहीं था यार, वो एक जोम्बी वायरस था। अब हमारे शहर में बहुत बड़ा खतरा है एक जोम्बी आउटब्रेक होने का। अगर इस चूहे ने गलती से जोम्बी वायरस फैला दिया तो सारे के सारे बंदे जोम्बी वायरस बन जाएंगे। ओ शिट, और मुझे ये बात पुलिस वालों को बतानी पड़ेगी। तो मैं आ गया हूँ, पुलिस स्टेशन आ गया हूँ और पुलिस वाले भी आ रहे हैं, मैं जल्दी से इनको बता देता हूँ। सर सर, अरे अरे क्या हो रहा है, अरे 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 नहीं, लगता है मुझे पिछले जुर्म के कारण मार रहे हैं। इनको मालूम कैसे चला उसके अंदर मैं ही था। अरे अरे नहीं यार, मुझे कैद कर लिया गया इस जेल में क्योंकि मैंने उस लड़के को गलती से मार दी। लेकिन ये पुलिस वाले समझ नहीं रहे हैं, एक जोम्बी वायरस हमारे शहर में फैल सकता है और इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और काफी महीने हो चुके हैं यार इस जेल में और मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ की दीवारें ना बहुत कमजोर है। इसको मैं ना थोड़ा सा खिसका के ऐसा कर दे रहा हूँ, इसके बाहर ना मैं आराम से जा पाऊँ। आखिरकार मुझे इस जेल से छुटकारा मिल चुका है और पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दी पूरे 6 महीनों के बाद। आखिर मेरी गलती भी थी यार, क्या ही कर सकते। चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये क्या है भाई, हेलोइन चल रहा है। अरे ये तो रियल जोम्बी यार, क्या हो रहा है भाई। हाँ याद आया, उस साइंटिस्ट ने जोम्बी वायरस फैला दिया था। अरे अरे कहीं ये पूरी तरीके से फैल तो नहीं चुका। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे एयरपोर्ट से बहुत सारे जोम्बी बाहर आ रहे हैं। भाई ये जोम्बी वायरस हमारे शहर में पूरी तरीके से फैल चुका है और ये बात पुलिस वालों को पता ही नहीं है। मुझे जाके ये बात बतानी चाहिए पुलिस वालों को, क्या मैं इन जोम्बी वायरस को मार सकता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है भाई कि मैं इन सारे जोम्बी को अकेले मार सकता हूँ, मैं ट्राई करके देख जरूर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं यार। अरे नहीं, इस गोली से इनको कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरे पूरे शहर में जोम्बी फैल चुके हैं। ये तो मेरे सामने ही बस एयरपोर्ट वाले और पूरे शहर में भी और भी है, तो मैं यहाँ से भागता हूँ और जल्दी से मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है गाइस, इसके बारे में इन्फॉर्म करने। पूरे रास्ते में जोम्बी है भाई, यहाँ पे भी जोम्बी है। अरे सर इनके पीछे भी जोम्बी पड़ चुका है भाई। ओ भाई साहब भागो यहाँ से, मेरे पीछे भी सारे सारे लोगों के पीछे भी जोम्बी पड़ चुके हैं। ये चेयर के ऊपर ऐसा तो लग रहा है ये लाश के जैसे बैठे हुए हैं, इनको ये कुछ भी नहीं कर रहे गाइस, जल्दी से यहाँ भागो। तो जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा गाइस। मुझे याद आया इस जेल के अंदर से एक दीवार थी ना गाइस, जब मैं यहाँ से भागा था एक दीवार थी, ओ दिख गया, ये रही, ओ बच गया भाई। तो गाइज ये जोम्बी ना जेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ ये पुलिस वालों को घेर चुके हैं। अरे सर घूम के ना इस जेल के अंदर आ जाओ, यहाँ पे सबके सब सेफ हैं। आखिरकार हम लोग जोम्बी से सेफ हैं और ये सारे पुलिस वाले
उस दीवार से जेल के अंदर आ चुके हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक और इंसान था वो जेल की गेट खोलकर बाहर भाग गया। लेकिन हम 6 लोग यहीं पर हैं। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। 6 दिन बीत चुके हैं और यहाँ से अभी तक हम बाहर नहीं गए, तो हमें एक ऐसा प्लान चाहिए था कि ज़ॉम्बी हमें मारे नहीं। तो मैं पुलिस वालों को एक ऐसा आइडिया दिया है कि मैं ना एक मास्क लेकर आने वाला हूँ, स्केलेटन मास्क। इन ज़ॉम्बियों को ये ना लगे कि ये लोग इंसान है इसलिए वो नहीं मारेंगे, और आराम से हम सारे लोग मिलके इस ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ इन लोगों के लिए स्केलेटन मास्क लेने। अरे यार, यहाँ पे भी रास्ते में सारे ज़ॉम्बी हैं और मुझे कैसे भी बच के निकलना है दूसरे शहर। और इससे पहले मैं देख तो लूं उस मास्क की लोकेशन कहां पर है। ये जगह सही है, यहां पे मैं रुक कुछ देर तक फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे चाहिए एक स्केल मास्क और मुझे मिलेगा इस जगह पे, और यहां पे एक बाइक खड़ी रहेगी और उससे मुझे याद है और मैं आ चुका हूं इसी शहर में। और ये जो बड़ी सी दिख रही है ना गाइस, इसी के ऊपर हमें जाना है और वहीं पे मिलेगी हमें स्केलेटन मास्क। और लेकिन इस जगह पे कोई सीढ़ी नहीं है और ना ही कोई लिफ्ट है गाइस, ये तो एक गोल कुआं है गाइस, और हमें गाड़ी चलाते हुए इसके टॉप पे पहुंचना होगा गाइस। ओ भाई, ये तो बहुत टफ है, देखते हैं कैसे होता है गाइस। और हम लोगों को गाड़ी एकदम ऐसे चलाना है, हाँ गाइस, और ऐसे चलाते हुए हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ गाइस, मेरी गाड़ी थोड़े थोड़े ऊपर जा रही है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है गाइस, मेरी गाड़ी कभी भी पलट सकती है। और मैं नीचे नहीं देखूंगा और मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ यार, और मैं गाड़ी काफी देर से चला रहा हूँ गाइस, और लगता है मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ, मुझे टॉप दिख रहा है। और मैं ऐसे गाड़ी चलाता रहूंगा तो ऊपर आ जाऊंगा, थोड़ा और बस मैं आगे गई, आगे भाई ऊपर। चलो अब हमें कहाँ पर जाना है देखते हैं, पर हम लोगों को अब पैदल जाना है पूरा ये सामने वाली रैम के टॉप तक। भाई काफी ज्यादा हाई और है। गाड़ी का हम लोग यूज कर भी नहीं सकते और काफी हमें देख के जाना पड़ेगा गाइस। लेकिन हम लोग फोन में अपनी लोकेशन सेव कर लिए, हम लोग गिरेंगे तो वापिस वहीं से शुरू होगा, देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। आराम से चलते रहो भाई। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये बगल में क्या है, यहाँ पे मैं गिर ना जाऊं कहीं यार, यहाँ पे मैं टेढ़े में जाऊंगा ना तो मुझे लगता है मैं ठीक रहूंगा, यहाँ पे मुझे बिल्कुल करेक्ट जाना है गाइस। चलो ये भी हो गया, ठीक है पोजीशन मैंने सेव कर ली है गाइस। ये कंटेनर पर चढ़े, यहाँ से मुझे डायरेक्ट टेबल पे जाना है, लेकिन कैसे भाई, डायरेक्ट ही चलता हूँ। अगर ये कंटेनर स्टेबल के पास आएगा तो मैं यहीं से जंप लगा सकता हूँ ना। इसे सेव कर लेते हैं पोजीशन, ये गाड़ी नहीं है ना भाई जो चेक पॉइंट मिलेगा। चलो नेक्स्ट है ये पंखा, पंखे पे गाड़ी बढ़िया चली थी भाई, लेकिन हम लोग चल सकते हैं कि नहीं ये मेरा डाउट है, लेकिन हम लोग नहीं चल सकते। मैं बार बार गिर रहा हूँ भाई, सीधे खड़े होगा, चलो भाई मैं सीधे खड़े हो गया। भाई ये क्या है भाई, यहाँ से अगर मैं नीचे गिर गया ना, ये क्या है भाई, नहीं खत्म हो गया भाई, उड़ जा भाई। चलो उड़ गया, अरे नहीं फिर से गिर गया, अरे उड़ जा, पलटना नहीं, आराम से घूमो, घूम आगे निकल, और कर लिया भाई। हाँ अब ये क्या चीज है भाई, अब यहाँ से कहाँ जाना है भाई, ये तो कोई रैंप रहता है जहाँ पे गाड़ियों से जाना है, हम लोग पैदल कैसे जाएंगे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे नीचे उतरना है क्या। ओ मुझे समझ में आया, यहाँ से जाना है हमको, वहाँ से चढ़ के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और इस लेवल तक, और यहाँ से मुझे वहाँ पे तक जंप मारना है भाई, लॉन्ग जंप भाई, ढंग से लग जाना यार प्लीज। चलो रेडी, आ गया यार, सही जंप लगी है यार, बिल्कुल परफेक्ट, आके यही पे गिरा हूँ यार, अब ऊपर चढ़े। अब ये क्या है, ये तो कवर्ड है, तो अभी इसको सेव नहीं करते, तो हमें सेव कर लेना चाहिए। ये आ गया बेड पे, अभी मैं सेव कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे हम लोग कंटेनर के पास आ चुके हैं, ये ऊपर नहीं हम लोग चढ़ पा रहे यार, मुझे ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा का, तो चलो धीरे धीरे, यहाँ से आगे तो हम लोग गिर जाएंगे यार, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, हम लोग ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं यार। भाई आगे गिर मत जाना, बहुत गहरा है, इसके आगे एक और कंटेनर, चलो ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ जा भाई, चढ़ गया यार, मुझे आगे कुछ तो दिख रहा है, और मुझे उतरना कहाँ है, थोड़ा दूर, और हम लोग पहुंच जाएंगे स्केल मास्क। और हम लोग को डस्टबिन कैसे जाना है, डस्टबिन से गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत टेढ़ा हो रहा है रास्ता, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं गिर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों पाँव से चलूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। एक तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बस थोड़ा सा और, ठीक है पकड़ ले डस्टबिन को भाई, डस्टबिन नहीं है, इलेक्ट्रिकल शॉक है, तो चलो सीधा नहीं टेढ़ा चलेंगे, वो दिख गई भाई, अरे नहीं, ओ यहाँ पे गड्ढा नहीं है, ओ भाई डर लग गया पूरा, मुझे लगा गड्ढा है, बच गए यार, तो मुझे बाइक दिख चुकी है
और वहीं पे चलते हैं सीधा। तो आखिरकार हम लोग बाइक के पास आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ स्कल मास्क रखे हुए हैं। तो ये स्कल मास्क मैं पुलिस वालों को देने वाला हूँ। ये टोटल 5 है और वो भी 5 ही है। तो वापस से हम लोग वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हमारे शहर में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है और इसकी बाइक हमने यहाँ पे उठा ली है। तो यहाँ से हम लोग सीधे नीचे चलेंगे। भाई ये देखो, चढ़ा तो मैं बहुत तेज़ी से रहा था लेकिन ये कितनी जल्दी से मैं नीचे आ रहा हूँ। तो ये देखो गाइस, मेरी बाइक गई और मैं भी गया सीधे नीचे। तो भाई हम लोग रेडी हैं हमारे पुलिस स्केलेटन के साथ। तो ये सब पुलिस वाले नेचुरल लग रहे हैं, कोई इंसान लग ही नहीं रहा। तो ये प्रॉपर ज़ॉम्बी लग रहे हैं, सॉरी ये प्रॉपर स्केलेटन लग रहे हैं, इन पे ज़ॉम्बी अटैक नहीं करेंगे और हम लोग आराम से उन लोगों को मार सकते। तो चलो गाइस रेडी हो तुम लोग अपने जॉब के लिए, खत्म कर देना सारे ज़ॉम्बी को मार। तो भाई काफी टाइम बीत चुका है, अब मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ, क्या स्केलेटन पुलिस आर्मी ने उस ज़ॉम्बी को मारा कि नहीं। एक ज़ॉम्बी तो यहीं पे पड़ा हुआ है, देखते हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छी खबर आने वाली है। मुझे रोड पे एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे ये क्या है भाई, ये तो ज़ॉम्बी है, ये तो भागते हुए आ रहे मेरे सामने। क्या पुलिस वालों इनको मारा नहीं? क्या ये सारे पुलिस वाले, ये तो यहाँ पे जमीन पे पड़े हुए हैं। भाई लग रहा है इन ज़ॉम्बीज ने इन पुलिस वालों को पहचान लिया। यार ये क्या हुआ, ये तो घायल हो गए सबके सब। अब मुझे ही कुछ करना ये। अरे भाई ये ज़ॉम्बी मुझ पे अटैक कर दिया। ओ अरे नहीं, ओ नहीं भाई, कुछ करना पड़ेगा मुझे। बचाओ मेरे को, अरे कोई तो बचाओ। ये क्या हुआ पुलिस? अरे अरे सर, बचा लिया है आपने मुझको। सर कहाँ थे आप? अरे आप कौन हो? पुलिस वाले तो 5 थे भाई, 1 2 3 4 5। भाई आप लोग कौन हो? अरे